एक्टर रितेश पांडे ने दी थी अक्षरा सिंह को जान से मारने की धमकी। किया था अक्षरा के साथ मारपीट और गाली गलौज। जी हां, अक्षरा सिंह और पवन सिंह के झगड़े से तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अक्षरा ने जो जो आरोप पवन सिंह पर लगाए थे, रितेश पांडे का आरोप भी उनसे पूरा मिलता जुलता है। पवन सिंह की बेवफाई ने अक्षरा को बागी बना दिया था और पवन से लड़ने के लिए अक्षरा को मीडिया का सहारा लेना पड़ा। तो वहीं बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पवन सिंह के बाद अक्षरा सिंह की लड़ाई रितेश पांडे से हुई थी और दोनों का विवाद इतना बढ़ गया था कि अक्षरा को रितेश के खिलाफ FIR तक दर्ज करानी पड़ गई थी। और अक्षरा और रितेश के झगड़े से बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं। दरअसल इनके झगड़े की शुरुआत हुई थी गाने से। जी हाँ, और वो गाना था हेलो कौन और कॉल करे क्या। रितेश पांडे का गाना हेलो कौन की सफलता से तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि सबके जुबां पर छा गया था। इसके दस्तक बॉलीवुड और राजनीतिक पार्टियों तक पहुंच गई थी और इस गाने ने भोजपुरी के औधे को और बढ़ा दिया था। गाने के सफलता से रितेश बहुत खुश थे, लेकिन इनकी खुशी पर अक्षरा सिंह ने लगा दिया था फुल स्टॉप। जी हाँ, अक्षरा रितेश की खुशियों पर ग्रहण बन गई थी। दरअसल हुआ ये था कि जब रितेश का गाना हेलो कौन पूरे पीक पर था, तभी अक्षरा ने अपना गाना कॉल करे क्या को रिलीज कर दिया। अक्षरा सिंह का ये गाना सबको खूब पसंद आया और वायरल हो गया। गाने के व्यूज भी खूब तेजी से बढ़ने लगे और अक्षरा के इस गाने की वजह से रितेश के गाने पर खूब असर पड़ा। दरअसल एक तरह के दो गाने मार्केट में आ गए थे, जिससे हुआ ये कि व्यूज बंट गए। जो पब्लिक सिर्फ रितेश के गानों को सुन रही थी, वो अब अक्षरा के गाने भी सुनने लगी, जिससे रितेश के गाने का व्यूज नीचे आने लगा। सूत्रों की माने तो रितेश इस बात से गुस्सा हो गए थे कि अक्षरा को उनके गाने हेलो कौन के सेम थीम पर गाना नहीं लाना चाहिए था, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कड़वाहट आ गई थी। तो वहीं आज से 3 साल पहले अमर उजाला न्यूज पेपर ने खबर छापी थी अक्षरा और रितेश के झगड़े को लेकर, जिसमें कहा गया था कि भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह और गायक रितेश पांडे के बीच का विवाद शनिवार को पुलिस तक पहुंच गया। अक्षरा सिंह की ओर से सारनाथ थाने में रितेश के खिलाफ तहरीर दी गई है और ये FIR खुद अक्षरा ने सारनाथ थाने पहुंचकर दर्ज कराई थी। अक्षरा के अनुसार तिलमापुर में एक स्टूडियो है और वहां वो शूटिंग के लिए आई थी। तभी शूटिंग के दौरान रितेश पांडे स्टूडियो में दाखिल हुए और अक्षरा के साथ उन्होंने गाली गलौज की और मारपीट का प्रयास किया, और इसके साथ ही उनको जान से मारने की भी धमकी दे डाली। अक्षरा द्वारा लगाए गए इस आरोप को जब अखबार में लोगों ने पढ़ा, सभी हक्के बक्के रह गए। अमर उजाला बहुत ही चर्चित अखबार है, इसकी खबर कैसे झूठ हो सकती है। खबर के बाहर आने पर अक्षरा ने खबर का खंडन किया, जो इनके झगड़े में एक नया मोड़ ले आया। अक्षरा ने अपने बयान में कहा, आज सुबह सुबह एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के वेब संस्करण में मैंने अपने बारे में एक न्यूज पढ़ी जो सरासर बेबुनियाद है। गायक रितेश पांडे के खिलाफ सारनाथ थाने पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह, लगाया अभद्रता का आरोप। हेडिंग से पोस्ट खबर का मुझसे कोई सरोकार नहीं है। कोरोना महामारी में मैं पिछले 60 दिनों से मैं अपने घर में हूँ, बाहर कहीं गई ही नहीं, तो मैं UP में FIR कैसे करा सकती हूँ। इसलिए मैं इस खबर का खंडन करती हूँ, मैंने किसी पर कोई FIR नहीं किया। खबर में जो लिखा है वो बिना सर पैर का है, मुझे ये बदनाम करने की साजिश है। कई लोग हैं जो समय समय पर मेरे खिलाफ साजिश रच कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं इस तरह की ओछी हरकत करने में कभी विश्वास नहीं करती। जी हाँ, तो ये बयान दिया था अक्षरा सिंह ने इस खबर के बाहर आने पर। तो वहीं इस मामले पर रितेश पांडे ने कोई बयान नहीं दिया था। हम आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद अक्षरा का नाम रितेश पांडे से जुड़ा था। दोनों जब साथ में फिल्में कर रहे थे, तब ये खबर बाहर आई थी कि दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन जब इस बारे में दोनों से पूछा गया तो उन्होंने इस खबर को झूठ बताया और ये कहा कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो अक्षरा और रितेश का विवाद भी इंडस्ट्री में आग की तरह फैला था। इस खबर पर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोजपुरिया लल्लन टॉप को।